हेलो गाइस, पहले दो एपिसोड्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। पिछले ढाई साल से हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और सीरीज ला रहे हैं, पर फिर भी अभी तक बहुत लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन इस साल के एंड तक 5 मिलियन का टारगेट पूरा करना है। इसलिए पहले सब्सक्राइब करिए और एपिसोड एंजॉय कीजिए। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा है? डर लग रहा है पापा, पेपर अगर मुश्किल आ गया तो? पेपर चाहे कैसा भी आए, तुम अपना भेज देना, ठीक है? बाबा जी की कृपा से हम चारों का एक ही हॉल में हुआ है। तो आज आपका साइंस का फर्स्ट पेपर है, रेडी हो ना? अगला पेपर मैथ्स है यार, बहुत टेंशन हो रही है। पेपर अच्छे गए बुरे गए अब उसके बारे में मत सोचो। तुम लोगों को ऐसी लंबी छुट्टियां लगने वाली है, अब एंजॉय करो। समोन हैज बीन हियर। हरप्रीत, तू क्यों नहीं खा रहा गोला? मैंने मन्नत रखी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं गोला भी नहीं खाऊंगा। बाबा जी, मैं भी मम्मी के साथ रोज मंदिर जा रही हूँ। मेरी मम्मी तो मुझे धागे पे धागे बांध रही है। अनुभव, तुझे अपने फ्यूचर की नहीं पड़ी है क्या? नहीं है, वैसे भी फ्यूचर की टेंशन उन्हें होती है जिनका कोई फ्यूचर होता है, इसलिए मुझे मेरा प्रेजेंट एंजॉय करने दो। समोन हैज बीन हियर। इसे छोड़ो, तुमने स्ट्रीम डिसाइड की, कौन सी लेने वाले हो? बायो, बाबा जी ने कहा है बायो लेना, तो मैं तो बायो ही लूंगा। मुझे लगता है वो देवांश भी बायो लेगा, क्योंकि उसका बायो बहुत स्ट्रांग था। तुम्हें कौन बोला? वो मैम बता रही थी। अच्छा, ये अनुभव, तू कौन सा स्ट्रीम लेने वाला है? अबे स्ट्रीम छोड़ो, मुझे तो ये डिसाइड करना है कि आगे पढ़ना भी है कि नहीं। उज्जवल, तूने तो डिसाइड कर लिया होगा ना? बता ना, कभी बताया नहीं, मतलब मैंने ऐसे होगा। भैया ने तो गाइड किया होगा ना कैसे क्या लेना है। अच्छा करियर बताया होगा एकदम। हाँ, हमें भी बता ना कुछ। अभिषेक भैया आ गए, तुम लोग ये खत्म करो, मैं आता हूँ। अरे बताओ। नहीं नहीं, बाय। हाँ हाँ, बाय 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 भैया, बाय भैया, बाय बाय। चलो भैया। क्या रे, खा लिया गोला? इसके भैया मुझे चाहिए। सही। अरे भाई साहब, कुछ भी मतलब आप तो अरे आ गए दोनों भाई घूम फिर के। कब आए अभिषेक? पिछले हफ्ते आया, छुट्टियां चल रही है ना अभी तो। अरे भाभी, आपको क्या बताओ, हमारे रोहित को तो छुट्टियां ही नहीं मिलती, बिजी जो रहता है ना उतना। डॉक्टरों के नसीब में घूमना फिरना कहाँ होता है। डॉक्टर वो तो इंटर्नशिप कर रहा है ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। अरे डॉक्टरी करो तो प्राइवेट में ही करो, सरकारी में तो बहुत झमेले हैं भाई साहब। जी जी पापा, बहुत झमेले, काफी पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट में कैसा, डोनेशन में काम हो जाता है। अरे मतलब रोहित यहाँ है भी नहीं और हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उज्जवल बेटा, तुम अपना बताओ ना, क्या करने वाले हो आगे, डॉक्टर या इंजीनियर? ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने। कुछ नहीं सोचा? अभी तक सोचा नहीं भाभी, हमारे रोहित ने तो बचपन में ही सोच लिया था कि उसे क्या करना है। हाँ? तुमने अभी तक नहीं सोचा? हाँ? नहीं सोचा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। बेटा ये वेट करते करते ना बहुत लोग रास्ता भटक जाते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं करते, क्यों भाई साहब, सच कहा ना मैंने। रास्ता भटकने के डर से खुद का रास्ता ही नहीं खोजना, ये बात भी तो सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि सभी लोग रास्ता भटक जाते हैं। अंकल मेरे एक दोस्त है सुशील,
उसको ना 10th में 40% आए थे। हमको लगा इसका कुछ नहीं हो सकता। आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो उस हॉस्पिटल का कोफाउंडर भी है जहाँ पे रोहित काम करता है। अच्छा वाह। हाँ हाँ। अच्छा है। देर हो गई है ना, चलना चाहिए अभी। भैया मुझे पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपके लिए बेस्ट ड्रीम कौन सी है? कहाँ डिसाइड किया था, पता चल जाता है भाई। मुझे टेक में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स अच्छे लगते थे तो ये करने लग गया। हमेशा ना करियर वो चुनो जो काम तुम 24 घंटे बिना थके बिना बोर हुए लगातार सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी उतने ही मजे से कर सको। आपको क्या लगता है मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा? वो तो तुझे खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। देख तेरे पास फोन है, उसमें इंटरनेट है, तो सारे फील्ड के बारे में जानकारी ले सकता है। लोग बहुत बोलेंगे कि ये कर ले, इसमें फ्यूचर है, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन जिस फील्ड को देख के तुझे लगे ना कि इसमें तो मैं फोड़ दूंगा, उसे में अपना करियर सोच। और अगर तू ये सब खोजने में भी आलस दिखाएगा ना तो फिर पप्पा की दुकान ही है। तुम लोगों ने कल का मैच देखा? क्या सही मैच था। मैं सोच रहा हूँ ना 11 की जगह पे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो, कम से कम हैदराबाद तो उठा ही लेगी, नहीं तो आरसीबी में जाके उनको कब जितवा दूंगा। अबे अंडर आर्म का मैच नहीं है वो। अच्छा खेल लेता हूँ मैं। ये सब छोड़ो, मुझे तो जॉब ऑफर भी मिल गया है। क्या? हाँ, मुझे बस पार्ट टाइम काम करना है और मुझे BMW मिल जाएगी। वाओ। बस मुझे 3 लोग जोड़ने हैं और तुम तीनों लोग जुड़ोगे मेरे से। तुम लोग को भी एक एक BMW की राइड दूंगा। तो ये बैग लेके यहाँ पे क्या कर रही है? मैं ना यहाँ से ही ट्यूशन जाने वाली हूँ इसलिए। ट्यूशन? कौन सा ट्यूशन? नीट। मैंने सोचा अभी से ही तैयारी शुरू कर दूंगी तो शायद निकल जाए। वो विनीत सर की क्लासेस? हाँ, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं पता है। चलो खुशबू। और देवांश ने भी वही क्लास ज्वाइन किया है। और डेकी सुकी? मामा के गांव नहीं गया तो छुट्टियों में? ये बदबू खुशबू के साथ क्या कर रहा है? क्या पता, चल पूछते। नहीं नहीं, पढ़ाई कर रहा था, CET वगैरह की तैयारी कर रहा था। अच्छी बात है, मतलब छुट्टियों में भी पढ़ाइयां चल रही है। हाँ, हमने तो एग्जाम के बाद बुक्स को छुआ भी नहीं। मैंने तो बेच भी दी। गाइस, कल रिजल्ट आएगा। हाँ दीदी। लगा रिजल्ट? हाँ अभी तक नहीं लगा।
ठीक है, जैसे ही लगे हाँ हाँ मैं फोन करूंगी ना आपको। घर में सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, जो भी हो पहले हाँ जैसे ही रिजल्ट आता है मैं फोन करती हूँ। ठीक है हाँ 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 फोन ठीक है ठीक है हाँ ओके बाय बाय। सुन तेरे विनी मासी का 10 बार फोन आके गया है, रिजल्ट लगा कि नहीं लगा? 10वीं बोर्ड का नतीजा 70। अरे उज्जवल, अरे ये न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं रिजल्ट लग गया क्या? हाँ देख जरा, पर यहाँ तो नहीं दिखा रहा पापा, देख। हाँ बोलो अनुभव। आ गया भाई, पबजी का नया सीजन आ गया, आजा खेलते हैं ना, आजा। रख फोन। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, वो अनुभव ऐसे। सुनना, तेरा रिजल्ट का दिन याद आ रहा है मुझे आज। मतलब आज भी हलवा बना है? अरे अपने घर पे खुशी के मौके पे हलवा ही बनता है। अच्छा बनता है हाँ। जो कोई नहीं खाता अभी अपने घर से। हाँ अपने गार्डन के अभी लगाया था ना पिछले छह महीने पहले। उज्जवल क्या लगता है कितना आएगा? पता नहीं, चल छोड़। चाहे जितना भी नंबर आए किसी भी हालत में आज शाम को हम मूवी देखने जाने वाले हैं। टिकट बुक कर दी मैंने। अरे भाई आ गया। क्या अनुभव, मजाक मत कर भाई, सच्ची में रिजल्ट आ गया है। सच्ची में आ गया? चल 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 पुर ये साइट क्यों क्रैश हो रही है? आराम से आराम से। खुल गया। क्या करोगे इसके मार्क्स जानकर, जज करोगे? तो जनाब उज्जवल की कहानी तो हम सबने देखी, ख्वाहिशों से भरी हुई, क्योंकि जो ख्वाहिशें ना रखे वो इंसान कैसा, और जो उसके पीछे ना भागे वो नौजवान कैसा। शायद ये बोर्ड एग्जाम सच में एक जंग ही थी, बस जीतना हमें खुद से था। मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं कुछ सुनहरी यादों के साथ किसी बक्से में बंद हो जाता हूँ। गाइज टेक अ ब्रेक चैनल की ये हमारी थर्ड वेब सीरीज थी जिसको आप सब लोगों ने हिट कर दिया है, और इस वजह से हमें बहुत खुशी है गाइज, और हम सब लोग आपको थैंक यू कहना चाहते हैं इस प्यार के लिए। और ऐसे ही आगे बहुत सारे वेब सीरीज टेक अ ब्रेक चैनल पे आने वाले गाइज, 2024 में बहुत बड़े प्लान्स हैं, आप ऐसे ही टेक अ ब्रेक के साथ बने रहिए। और अगली वेब सीरीज आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर बनाएंगे। और गाइज ये हॉल टिकट का तीसरा और लास्ट एपिसोड था। नहीं नहीं आने वाला है नेक्स्ट सीजन किसका 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 ये जानने के लिए आपको टेक अ ब्रेक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट करते रहिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।